दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आपको जो बेल आइकन दिखे उसे भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं सुनील आबादी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीबीएसई क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम इसकी बात करने वाले हैं और इसमें नेल्सन मंडेला के जो संघर्ष हैं उनकी बात करी गई है और ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको नेल्सन मंडेला ने खुद ही लिखा है। इस ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, 30 साल जेल में बिताने पड़े, क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी, सारी चीज़ों पर बात करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम बात हुई है उसको इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और सबसे शुरुआत उसी वर्ड से होती है जिसको बोलते हैं अपार्थिड। अपार्थिड में क्या होता है फ्रेंड्स, जाति भेदभाव होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगहें हैं, ऐसे देश हैं जहाँ पर जाति के नाम पे, जहाँ पर रंग के नाम पे, जहाँ पर नस्ल के नाम पे भेदभाव हुए लोगों के साथ में। तो यहाँ पर उसी प्रथा की बात होती है, उसी भेदभाव की बात होती है जिसको यहाँ पर अपार्थिड के नाम से मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की बिफोर यू रीड से, देखते हैं कि अपार्थिड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थिड एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनकी रेस के आधार पर अलग करता है, उनकी जातियों के आधार पर, उनकी नस्ल के आधार पर अलग करता है। कैन यू से, क्या तुम बता सकते हो विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, इन तीन कंट्रीज में कौन से नेम्ड बिलो जिनके नाम नीचे लिखे गए हैं, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था, क्या बता सकते हो कि नीचे लिखे तीन नामों में से किस देश में पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था अंटिल वेरी रिसेंटली, अभी हाल तक, अभी हाल फिलहाल तक कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर अपार्थिड का सिस्टम हुआ करता था। तो अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, कि आपने नेल्सन मंडेला विषय सुना हुआ है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग, उन्होंने एक लाइफ टाइम फाइटिंग स्पेंट किया अगेंस्ट अपार्थिड, अपार्थिड के खिलाफ उन्होंने जो ये जाति भेदभाव होता है, एक नस्ली भेदभाव जो होता है, इसके खिलाफ उन्होंने एक लंबा समय इसमें बिताया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला को 30 साल तक प्रिजन में बिताने पड़े, जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड, अंत में लोकतांत्रिक इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए इन साउथ अफ्रीका इन 1994, साउथ अफ्रीका में 1994 में, अंत में साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू बॉर्न नेशन, और मंडेला एक नए जन्मे हुए राष्ट्र के पहले प्रेसिडेंट चुने गए। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इस एक्सट्रैक्ट में मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला जो है वो एक हिस्टोरिक ओकेजन विषय में बोलते हैं, एक ऐतिहासिक अवसर विषय में बोलते हैं, द इनाग्रेशन, जिसको उन्होंने इनाग्रेशन कहा है, या जो इनाग्रेशन हुआ वहाँ पर उस अवसर पर उन्होंने बहुत ऐतिहासिक बात करी। Can you guess what the occasion might be? क्या आप guess कर सकते हो occasion क्या हो सकता है? Check your guess with a news item from the BBC of May 10, 1994. आप इस चीज़ को, आप इस guess को check करो with the news, news with this news, इस news के साथ में from the BBC, BBC के of May 10, 1994, 10 मई 1994 के BBC के news के साथ में आप इसको check करो कि वो inauguration क्या था, किस चीज़ का था। अब आगे देखते हैं, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम, हो चुके हैं साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले अश्वेत राष्ट्रपति आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज से भी ज़्यादा समय के बाद ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल के अर्थात वहाँ पर पहले वाइट रूल हुआ करता था, पहले भी पहले साउथ अफ्रीका में जैसे अमेरिका में था वैसे साउथ अफ्रीका में था, कि वहाँ पर दो तरह के लोग होते थे, ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल। तो जो ब्लैक पीपल होते थे उनके साथ अपार्थिड की जो प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा हावी होती थी, अर्थात उनको कोई ज़्यादा अधिकार नहीं थे, वो ज़्यादा अपने मन से कोई काम कर नहीं सकते थे और वो जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें एंट्री नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी और वहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट ब्लैक पीपल नहीं हो सकता था। तो ऐसा ही यहाँ पर भी था साउथ अफ्रीका में, लेकिन
तीन शतक से ज़्यादा के समय, मीन्स आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स, नेल्सन मंडेला जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पर चुने गए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हुए हैं आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रोल, वाइट रूल के 3 centuries से ज़्यादा समय के बाद। मिस्टर नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी 1252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसने पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में 400 सीटों में से 252 सीट साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में जीती। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, जो इनाग्रेशन सेरेमनी है, उत्सव है, वो हुआ इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर, यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में। यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में क्या होता है, खुला हुआ थिएटर, तो यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ इन प्रिटोरिया टुडे, आज प्रिटोरिया में। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज, जिसको पॉलिटिशियंस के द्वारा और डिग्नेटरीज के द्वारा अटेंड किया गया फ्राम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 से ज़्यादा देशों के अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के जहाँ, जिसको दुनिया के 140 से ज़्यादा देशों के। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, द इनाग्रेशन सेरेमनी, जो इनाग्रेशन सेरेमनी है टुक प्लेस, वो हुआ, इनाग्रेशन सेरेमनी हुआ इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर, यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में टुडे मीन्स आज, आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी है वो हुआ। और अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज, अटेंडेड बाई, इसको अटेंड किया गया बाई पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस के द्वारा, एंड डिग्नेटरीज के द्वारा फ्राम मोर देन 440 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के 140 से ज़्यादा देशों के जो डिग्नेटरीज थे, महान हस्तियाँ थी, उनके द्वारा। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अंदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा कि नेवर नेवर अगेन, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर अगेन अब कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर जो लैंड है, एक्सपीरियंस अनुभव करेगी द ऑपरेशन मीन्स दमन का ऑफ वन, किसी व्यक्ति का बाई अंडर, दूसरे के द्वारा। अब ये जो सुंदर जगह है, सुंदर जमीन है, अब ये कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का कभी भी दमन अनुभव नहीं करेगी। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स। जुबिलेंट सीन्स, जो जुबिलेंट सीन्स हैं, अर्थात जो बहुत ही अच्छे सीन्स मीन्स दृश्य हैं ऑन द स्ट्रीट्स, गली में प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के, प्रिटोरिया की गली में जो शानदार दृश्य हैं, फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, इसमें फॉलोड द सेरेमनी, सेरेमनी में को, सेरेमनी ने फॉलो किया विद ब्लैक्स, ब्लैक्स के साथ में, वाइट्स, वाइट्स के साथ में, एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और कलर्ड के साथ में सेलिब्रेटिंग टुगेदर, जो साथ साथ उस उत्सव को, उस साथ साथ उस इनाग्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मीन्स वहाँ पर ब्लैक भी थे, वहाँ पर वाइट भी थे, और साथ साथ उस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, 1 lakh से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन आदमी, वुमेन, औरत एंड चिल्ड्रन, और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस, हर जाति के, हर नस्ल के, सैंग एंड डांस विद जॉय, सैंग मीन्स गाए एंड डांस, और नाचे विद जॉय मीन्स खुशी के साथ। साउथ अफ्रीकन के, साउथ अफ्रीकन लैंड के जो 1 lakh से ज़्यादा आदमी थे, औरतें थे और बच्चे थे, वो वहाँ पर गाए और नाचे, अर्थात खुशियाँ मना रहे थे। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, जो चैप्टर में जो टेक्स्ट शुरुआत होता है यहाँ से, कि 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई की सुबह थी, ब्राइट और क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं घिरा हुआ था, बहुत ही उत्सुकतापूर्वक या बहुत ही खुशी से घिरा हुआ था, बाई डिग्नेटरीज, महान हस्तियों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और विश्व नेताओं के द्वारा, हु वर कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट, जो अपना सम्मान देने आ रहे थे, बिफोर द इनाग्रेशन, इनाग्रेशन के पहले, जो इनाग्रेशन के पहले अपना सम्मान देने के लिए मेरे पास आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, जो इनाग्रेशन है, जो ये उद्घाटन है, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये सबसे बड़ी गैदरिंग होगी, सबसे बड़ा जमावड़ा होगा ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अब तक के इंटरनेशनल लीडर्स का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीकन सॉइल पर, साउथ अफ्रीकन सॉइल पर, कि अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक गैदरिंग होगी, या सबसे बड़ी गैदरिंग होगी, लार्जेस्ट गैदरिंग होगी। कहा जा रहा है कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, जो सेरेमनी है, जो उत्सव है, टुक प्लेस हुआ इन द लवली सुंदर सैंडस्टोन, रेत के पत्थर, रेतीले पत्थर से बने हुए एम्फीथिएटर में, फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाया गया था इन प्रिटोरिया में।
फॉर डिकेट्स दशकों तक दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, दशकों तक अर्थात कई दशक तक दिस हैड बीन ये रहा था द सीट मीन्स सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी का अर्थात वाइट सुप्रीमेसी क्या होती है जिसमें वाइट पीपल जो हैं वो सुप्रीम माने जाते हैं, तो दशकों तक ये वाइट सुप्रीमेसी की सीट रहा था एंड नाउ और अब इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, ये रेनबो गैदरिंग का एक साइट था ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस जिसमें कि डिफरेंट कलर्स के पीपल थे एंड नेशंस और राष्ट्र के पीपल थे, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिव गवर्नमेंट, फॉर द इंस्टॉलेशन स्थापना के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक पहली लोकतांत्रिक एंड और नॉन रेसिव गवर्नमेंट और जो गैर जाति गैर नस्ली जो गवर्नमेंट है उसकी स्थापना के लिए। क्या आप नहीं चाहते कि हम यूँ ही देते रहें आपका साथ, तो संकोच किस बात का, छोड़िए आलस और बढ़ाइए अपना हाथ, नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारी इस यात्रा में सहभागी बने। जय हिंद, जय भारत। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, उस लवली ऑटम डे में उस लवली पतझड़ के दिन आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ था मेरे साथ थी माई लवली डॉटर, माई डॉटर जिनानी, मेरी जो डॉटर जिनानी है वो मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम पर मिस्टर डिक्लर्क वॉज फर्स्ट स्वान इन सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, जो मिस्टर डिक्लर्क थे उन्होंने पहली बार अर्थात उन्होंने सबसे पहले स्वान इन में शपथ लिया एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, उन्होंने सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया। देन थाबो मबेकी वॉज स्वान इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो मबेकी ने पहले जो डिप्यूटी प्रेसिडेंट है उसके रूप में शपथ लिया। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई प्लेज मैंने शपथ लिया, मैंने संकल्प लिया टू ओबे करने का एंड अपहोल्ड और बनाए रखने का द कॉन्स्टिट्यूशन को एंड और टू डिवोट माई सेल्फ, अपने आप को समर्पित करने के लिए टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, रिपब्लिक और इसके पीपल के लिए जो हमारा गणराज्य है और जो इसके लोग हैं उनके लिए मैंने खुद को समर्पित करने के लिए अर्थात उनके वेल बींग के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ मैंने लिया अर्थात संकल्प किया टू द असेंबल्ड गेस्ट्स के लिए एंड और द वॉचिंग वर्ल्ड के लिए आई सेड, मैंने कहा जो वहाँ पर एकत्रित गेस्ट थे और जो संसार मुझे देख रहा था, मैंने उनके लिए कहा टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज हमें सभी बाय योर प्रेजेंस हियर अपनी उपस्थिति से यहाँ पर कन्फर ग्लोरी मना रहे हैं एंड होप और उम्मीद कर रहे हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नई पैदा हुई स्वतंत्रता के लिए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस इस अनुभव से ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण जो मानवीय आपदा है उसके अनुभव से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक रही, अर्थात यहाँ पर जिक्र किसका कर रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं उस बात का जिसके लिए उन्हें इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसके लिए उन्हें 30 साल तक जेल में रहना पड़ा, अर्थात जो अपार्थिड की बात पहले आई शुरू में ही, तो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो मानव आपदा है एंड दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे समय तक रही, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, मस्ट बी बॉर्न अब पैदा होना चाहिए अ सोसाइटी, एक स्थान अब उस चीज़ से अर्थात उससे अलग होकर, उस मानवीय आपदा से अलग होकर मस्ट बी बॉर्न पैदा होना चाहिए अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी ह्यूमैनिटी को, सारी मानवता को प्राउड मीन्स घमंड होगा, गर्व होगा। वी हु वर आउटलास नॉट सो लॉन्ग एगो, वी मीन्स हम लोग, हु वर आउटलास जो आउटलास थे अर्थात जो नियम विरुद्ध थे, नॉट सो लॉन्ग एगो अभी हाल फिलहाल तक जो नियम को ना मानने वाले कहे जाते थे, हैव टुडे बीन गिवेन आज हमें दिया गया है द रेयर प्रिविलेज एक दुर्लभ सम्मान टू बी हॉस्ट होने का, मेजबान होने का टू द नेशंस राष्ट्रों का ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के, ऑन अवर ओन सॉइल हमारी खुद की धरती पर, आज हमें हमारी खुद की धरती पर उनका हॉस्ट होने का सम्मान दिया गया। वी थैंक हम सभी थैंक धन्यवाद करते हैं ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, अपने सभी जो विशेष इंटरनेशनल गेस्ट हैं उनका सम्मान करते हैं या उनको धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन यहाँ पर आने के लिए विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के साथ, अर्थात हमारे देश के साथ यहाँ पर आकर पोजिशन लेने के लिए, और वाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो आफ्टर ऑल एक कॉमन विक्ट्री है फॉर जस्टिस न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय डिग्निटी के लिए सम्मान के लिए एक कॉमन विक्ट्री है।
वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हमने अंत में प्राप्त कर लिया है और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपनी जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, उसको हमने प्राप्त कर लिया है। वी प्लेस आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, वी प्लेस, हम प्लेस करते हैं ourselves अपने आप से, हम अपने आप से संकल्प लेते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, अपने सारे लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग लगातार चल रही बॉन्डेज, जो बंधन है ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का, डिप्रिवेशन, जो अभाव का बंधन है, सफरिंग, जो परेशानी है, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर का और जो अन्य प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है, उनसे अपने आप, अपने लोगों को स्वतंत्र करने के लिए शपथ लेते हैं, प्लेस करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं दोबारा, सेल इट बी, ऐसा होगा, अर्थात ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, कि ये ब्यूटीफुल लैंड दोबारा अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अंडर, द ऑपरेशन मीन दमन ऑफ वन, किसी एक व्यक्ति का बाई अंडर दूसरे व्यक्ति के द्वारा, अब ऐसा कभी नहीं होगा कि यह जो धरती है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के दमन का अनुभव करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन, सूर्य कभी नहीं डूबेगा, द सन मीन सूर्य, शैल नेवर सेट ऑन, कभी नहीं डूबेगा। सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का, अब इतनी जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, उसका सूर्य कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, फ्रीडम को लेट रेन, शासन करने को, स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को ब्लेस करे, अर्थात ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे, ईश्वर अफ्रीका को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से नेल्सन मंडेला अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में बोलते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नए पार्ट के साथ, अर्थात जिसका जो अगला पार्ट है वो हम फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चाहे करना हो अपनी संस्था का प्रचार, या फिर दिल में हो किसी मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम का विचार, बुक करें हास्य कवि सम्मेलन एवं दीजिए अपने नज़दीकियों को कवियों की हसाती गुदगुदाती कविताओं का स्वस्थ मनोरंजन। संपर्क करें सिविल आबादी, मोबाइल 7398328084 पर, एवं अपने क्षेत्र के लिए एक हास्य कवि सम्मेलन शो आज ही बुक करें।